हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग बेस टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्किट एनालिसिस, सर्किट को कैसे एनालाइज करेंगे, जिसको हम लोग मेथड ऑफ एनालिसिस भी बोलेंगे। ये जो मेथड ऑफ एनालिसिस है, बेसिकली दो प्रकार के होता है। मेथड ऑफ एनालिसिस कितना प्रकार का होता है सर? दो प्रकार के होता है। पहला जो टाइप है जिसको हम लोग बोलेंगे, पहला टाइप को एक हम लोग मेश एनालिसिस बोलेंगे, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? नोडल एनालिसिस। एक को बोलेंगे हम लोग मेश एनालिसिस बोलेंगे और दूसरा को बोलेंगे हम लोग क्या? नोडल एनालिसिस। यानी कि वन इज द मेश एनालिसिस, सेकंड वन इज द नोडल एनालिसिस। ये जो मेश एनालिसिस है, किस पे बेस्ड है सर? मेश एनालिसिस ये हमारा मेस है। इस तरीके से मेस मतलब क्या? क्लोज पाथ में क्या लगाते हैं? केबीएल। और नोडल मतलब होता है जंक्शन, नोड। जंक्शन में क्या आता है बताइए? करंट आता है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, वहां पर क्या लगाएंगे? केसीएल। यानी कि ये जो है ये किस पे बेस्ड है? मेस एनालिसिस है ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज ला और प्लस में कितने ओम्स ला, केबीएल प्लस में ओम्स ला। अरे क्या है? KCL प्लस में क्या? ओम्सला। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है इन नोडल एनालिसिस विच लाइज इन्वॉल्व KCL, KVL, KVL ओम्सला, KCL ओम्सला। तो क्या होगा बेस एनालिसिस में? KVL ओम्सला, ABCD ऑप्शंस में रहेगा। आपको बोलेगा KCL एंड ओम्सला इन्वॉल्व इन मेस एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, आइदर मेस और नोडल, नन ऑफ द अबव। क्या बताइएगा? बताइए नोडल एनालिसिस। इस तरीके से करके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल आपका TTI है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन TTI है सर, ये भी TTI है, बार बार एग्जाम्स में पूछ रहा है। TTI कहने का मतलब तावा तोड़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट को हम लोग बोलेंगे क्या? तावा तोड़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका क्या? मेस एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया सर? और यहाँ तक अगर बात बहुत क्लियर हो गया तब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और बता दें, गांठ मान लीजिए कि मेथड ऑफ एनालिसिस में कोई थ्योरी नहीं है। इसमें क्या है? केवल और केवल क्वेश्चन है। इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? केवल और केवल क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को क्या करना है सर? प्रैक्टिस करना है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, उतना आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। यहाँ तक बात समझ गए? तो चलो हम लोग क्वेश्चंस ले करके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस ले करके हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो तो हम लोग एक क्वेश्चंस को लेंगे और मेस एनालिसिस से भी सॉल्व करेंगे और नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि मेस एनालिसिस अलग नहीं पढ़ेंगे और नोडल एनालिसिस हम लोग अलग नहीं पढ़ेंगे, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे और दोनों को हम लोग साथ साथ ख़त्म करेंगे, ठीक है? यानी मेस एनालिसिस तथा नोडल एनालिसिस दोनों जो है आपको एक साथ में ही कंप्लीट होगा, बात समझे? तो मेस एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दोनों कोई अलग एनालिसिस नहीं है और दोनों जो है आपको बिल्कुल एक ही साथ में आपका कंप्लीट होगा। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्वेश्चंस ही है, जितना पॉसिबल टाइप का क्वेश्चंस होगा आपको यहाँ हम क्लासरूम में कराएंगे और मेरे साथ साथ आपको भी करते जाना है। आप यदि कर लेते हैं, जितना करवाते हैं, तो आप मास्टर माइंडेड हो जाएगा। कैसे नोडल लगाना है, कैसे मेस लगाना है, सारे को मैं बहुत फुल डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल बने रहिए, कोई भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर क्लास क्या आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर क्लास एक दूसरे क्लास से क्या है? लिंकअप है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक है? चलो ऐसा कुछ क्वेश्चंस है सर, क्वेश्चंस है देखो इस तरीके से क्वेश्चंस है। मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा देखिए 10 वोल्ट का है। देखिए हम छोटा क्वेश्चन से चलते हैं, बड़े क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा पहले तो हम इसको लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे, बाद में जादू टोना मंत्र छू मंत्र सब आपको देंगे कि कैसे डायरेक्टली सर्किट को देख के आप आंसर बता दीजिएगा, वहाँ तक आपको करवा देंगे, ठीक है? इसीलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना है और बिल्कुल मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाइएगा और सर्किट से अल्टीमेटली आपको डर लगना खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जितना प्रैक्टिस करवाएंगे सर उतना आपको क्या करना है? करते जाना है, ठीक है? तभी आप बहुत अच्छे बन पाइएगा, ठीक है? चलो 10 वोल्ट है,
यहाँ पर मान लिया जाए कि 1 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ मान लीजिए कि आपका 2 ओम का रेजिस्टर है, ऐसा है सर। यहाँ मान लीजिए कि आपका 3 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ मान लीजिए कि आपको 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ऐसा है सर। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें करंट निकालिए, किस में करंट निकालिए, IX में निकालिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड करंट IX, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड करंट IX बाय किसके द्वारा, बाय मेस एंड नोडल एनालिसिस, यानी मेस और नोडल एनालिसिस के द्वारा आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है सर, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग ए मेस से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, नोडल से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चल के हम बहुत सारा थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम से भी बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को चाहें तो हम लोग नॉर्टन से बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन को चाहें थेवेनिन से भी बना सकते हैं। तो यानी कि सर्किट और नेटवर्क में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, एक क्वेश्चन को आप 10 तरीके से सॉल्व करते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, आपका मन पर डिपेंड करता है, और मन आपका किस पर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि किस में कितना प्रैक्टिस किए हैं, जिसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा करेगा। हम तो सारे मेथड को बताएंगे और प्रैक्टिस ऐसे करवा देंगे कि कौन सा टेक्निक को कहाँ पर लगाइएगा कि आपको आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, कैसे दिखेगा, प्रैक्टिस से दिखेगा। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे आपको होमवर्क भी देंगे जिसको आपको घर से बना के लाना है, तो बहुत सारा अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिक है आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियर है। तो चलो इसको अब हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेस एनालिसिस का, कौन सा एनालिसिस है, मेस एनालिसिस का। अब मेस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमारा क्या होगा बताइए, प्लस माइनस जो होगा एक कितना होगा बताइए, 10 वोल्ट होगा। ये जो होगा से कितना होगा बताइए, 1 ओम होगा। इधर जो कितना होगा बताइए, कितना होगा, 2 ओम होगा। यहाँ पर जो है से क्या होगा बताइए, 3 ओम होगा। इस तरीके से ये जो होगा से कितना होगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा सर, 5 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें देखिए हमारा क्या है, इसमें देखिए हमारा IX का मान निकालना सर। अभी देखो मेस एनालिसिस में IX का भी मत सोचो, देखो इसका मेस एनालिसिस में भी टेक्निक बहुत सारा है, लेकिन मैं जितना बात कर रहा हूँ उतना को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बात समझे। तो मेस एनालिसिस में देखो कितना मेस है, जितना मेस है, एक मेस है, दो मेस है, जितना भी मेस रहे हर मेस के लिए अलग अलग करंट मान लिए, इसके लिए करंट मान लिया I1, दूसरा मेस है इसके लिए हम करंट मान लिए क्या, I2, अपना मन से सर मान रहे हैं, एक में करंट मान लिए I1, दूसरे में करंट मान लिए क्या, I2, दोनों मान लिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। यानी कि मेस एनालिसिस में क्या किए, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, ए अपना मन से मान लिए। IX हम बाद में निकालने के लिए बताएंगे कि कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग का टारगेट है अब I1 तथा I2 को निकालना। एक चीज़ और बोलेंगे इसमें एक कुछ टिप्स काम करना है, टिप्स को याद रखना है। क्या टिप्स को याद रखना है कि हम लोग जिस मेस में एनालिसिस करते हैं उस मेस का करंट पूरे सर्किट के करंट से बड़ा होता है, निकालने के बाद भले ही छोटा आए लेकिन हम लोग जिस दौरान एनालिसिस करेंगे उस दौरान हम लोग मानेंगे कि जिस मेस में हम एनालिसिस करते हैं उस मेस का करंट पूरे सर्किट के करंट से ज़्यादा होता है। क्लियर कट है बात कि नहीं है, क्लियर कट सर बताओ। हम लोग जिस मेस में एनालिसिस करते हैं उस मेस का करंट पूरे सर्किट के करंट से ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम लोग इस मेस 1 में अगर हम बात करेंगे उस दौरान हम लोग I1 को बड़ा मानेंगे, जिस मेस 2 में हम बात करेंगे उस दौरान I2 को बड़ा मानेंगे, भले निकालने के बाद कोई बड़ा कोई छोटा है लेकिन ड्यूरिंग द एनालिसिस, ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग जिसमें एनालिसिस करेंगे उसको बड़ा मानेंगे। तो ये हम लोग नोट में करके इस बात को लिखते हैं, नोट में करके क्या लिखेंगे सर बताओ, नोट में इन मेस एनालिसिस हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब देखो मेस एनालिसिस में जिस मेस में एनालिसिस करते हैं, जिस मेस में एनालिसिस करते हैं उसका करंट
पूरे सर्किट करंट से ज़्यादा मानते हैं, उसका करंट पूरे सर्किट करंट से, पूरे सर्किट करंट से ज़्यादा मानते हैं। बात समझे? यानी मेश एनालिसिस में जिस मेश में एनालिसिस करते हैं उस मेश का करंट पूरे सर्किट के करंट से ज़्यादा मानते हैं। ये आपका एक जनरल सा कंसेप्ट हुआ। इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे के प्रोसीड करते हैं, आगे क्वेश्चंस बनाने को प्रोसीड करते हैं। अब देखना सर, अब हम लोग मेश एनालिसिस किस पर आधार है बताइए, केवीएल ओम्स ला। यानी कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, मेश वन में केवीएल लगाएंगे, एक बार क्या करेंगे मेश टू में केवीएल लगाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले मेश वन का बात करते हैं। अप्लाई केवीएल इन मेश वन। केवीएल मतलब क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम। किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम क्या बोलता है सर, किरचॉफ्स वोल्टेज का नियम ये बोलता है कि पूरे सर्किट में, पूरे लूप में जितना भी एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज का सम हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? ये हमारा इसका ये मतलब बोलता है कि जिस भी मेश में हम लोग केवीएल लगाएंगे उसमें इसमें सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज करेंगे उसमें सम क्या होगा, जीरो। तो देखो हमारा इसमें केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है। जैसे कि हम बताए थे रजिस्टर में या इंडक्टर में, कैपेसिटर में, अगर आपका करंट मान लिया जाए कि इधर से इधर पास कर रहा है इस रजिस्टर में, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होगा। अगर सेम रजिस्टर है करंट आपको ऐसे पास कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? यही अगर आपका बैटरी सोर्स है अगर करंट ऐसे पास कर रहा है, ऐसे सोर्स है तो ऐसे पास करेगा, जस्ट उल्टा। यानी कि ये जो है से पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट में करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव पास करना चाहिए, और एक्टिव एलिमेंट जैसे वोल्टेज करंट है तो इसमें निगेटिव से पॉजिटिव पास करना चाहिए, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन को हम लोग नोट करेंगे और लेंगे सारे सर्किट में। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे चलते हैं। अब देखो मेश में अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे मान लीजिए कि रजिस्टर में लिखते हैं तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज लिखना है, अगर ऐसा है तो पहले लिखेंगे करंट आई इंटू आर क्या होगा बताइए, वोल्टेज होगा। अगर हम ऐसे चलेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर अगर प्लस है, तो ऐसे अगर हम करंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस आई आर लिखेंगे। यानी जो साइन पहले आता है उसको लिखते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना भी एलिमेंट मौजूद होगा सब में रिवर्स लिखना पड़ेगा। एक इंटर करने वाला साइन को ले सकते हैं या फिर बाहर निकलने वाला साइन को ले सकते हैं, दोनों में से जो मन करे वो सब को ले सकते हैं। हम सारा बेसिक बात करते हुए निकल रहे हैं सर, यही सब आपका बेसिक बात क्लियर नहीं होने से आगे भारी लगने लगता है। इसीलिए हम एक दो क्वेश्चन को बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे हैं कि जिससे कि आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं रहे। भले ही कि हम क्यों ना हमको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन अगर आप कंसेप्ट सीख जाइएगा तो आधा घंटा के जगह आप इसी क्वेश्चन को आधा मिनट में बनाने लगेगा। और कैसे बनाइएगा वो मैं बताऊँगा आगे, धीरे धीरे चल के आप खुद बनाने लगेगा, लॉजिक शॉर्टकट सब चीज़ आपके पास डेवलप कर जाएगा। बात समझे? अगर आप चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ आपके पास हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेटवर्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा और कोई सीक्रेट बात नहीं है। कोई टीचर सीक्रेट नहीं बताता है, मैं आपको सीक्रेट बता दे रहा हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो चलो मेश वन में लगाओ केवीएल, यहाँ से इंटर करें देखो माइनस से, तो देखो माइनस लिखें वोल्टेज कितना 10। अब यहाँ देखो ऐसे हम चलेंगे इसमें, यदि तो ऐसे I1 है तो यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ निगेटिव होगा सर। इसमें ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे क्लॉकवाइज में हम मान लिए हैं। एक चीज़ और, इसमें करंट क्लॉकवाइज मान है तो इसमें भी क्लॉकवाइज हम लोग को मानना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। तो अगर एक में क्लॉक दूसरे में भी क्लॉक, एक में अगर एंटी क्लॉकवाइज माने हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज, ये सब बहुत सारे बातें हैं जो कि हम एक एक बात बोलते चल रहे हैं। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं मन करे तो दो बार सुनिएगा, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये पूरा बेसिक्स है इस चैप्टर का। अब देखो हमारा ध्यान दो, यहाँ माइनस से चले माइनस 10, यहाँ प्लस से है तो कितना होगा बताइए, प्लस कितना लिखेंगे सर। यहाँ तो वोल्टेज डायरेक्ट दिया नहीं है, लेकिन इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई वन, रजिस्टर कितना है 1। और हम लोग ऐसा जानते हैं
कि करेंट इंटू रजिस्टर क्या होता है, वोल्टेज। तो करेंट इंटू रजिस्टर, करेंट है आई वन, रजिस्टर कितना है वन, करेंट इंटू रजिस्टर हो गया सर। अब आइए इसमें, अब इसमें आप यदि देखिएगा तो देखो ध्यान दो, ऐसे इसमें देखो हमारा ऐसे करंट क्या आ रहा है I1, इसमें देखो ऊपर की ओर करंट जा रहा है कितना I2, ध्यान देना यहाँ पर, समझना है। अब देखिए अगर मान लें कि 10 एम्पियर इधर जाएगा, 5 एम्पियर ऊपर जाएगा तो रिजल्टेंट किधर, नीचे। अगर मान लें कि 20 एम्पियर ऊपर जाएगा, 10 नीचे, तो रिजल्टेंट किधर, ऊपर। अब ये डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट करंट इसमें किधर फ्लो करेगा, नीचे फ्लो करेगा कि ऊपर फ्लो करेगा। अगर I1 बड़ा होगा तो नीचे फ्लो करेगा, अगर I2 बड़ा होगा तो ऊपर फ्लो करेगा रिजल्टेंट। जैसे कि कोई आदमी धक्का दे रहा है, तो जिस मान ली हम इधर से धक्का दे रहे हैं, मेरा फोर्स ज़्यादा है तो हम धकेल देंगे, उधर वाला आदमी का ज़्यादा फोर्स है तो हमको धकेल देगा, बात समझ रहे हैं। तो जिसका ज़्यादा करंट होगा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और एक बात हम यहाँ पर नोट में लिखाए हैं, ये बहुत ही VVI नोट्स है। क्या, देखो हमारा मेस एनालिसिस में, जिस मेस में एनालिसिस करते हैं उसका करंट पूरे सर्किट करंट से ज़्यादा मानते हैं। अभी हम किस में चल रहे हैं सर, इसमें, इसमें चल रहे हैं तो हम कौन सा करंट बड़ा मानेंगे, I1 की I2, I1। जब इसमें चलेंगे तब I2 मानेंगे, लेकिन अभी हम किस में एनालिसिस कर रहे हैं, मेस वन में। तब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऐसे ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा, वो भी I1 माइनस कितना I2, ऊपर से नीचे करेगा। क्यों सर, I1 नीचे I2, रिजल्टेंट किधर, I1 माइनस I2। मान लिया नीचे 4 है ऊपर 2 है तो रिजल्टेंट कितना 4 माइनस 2, क्लियर। अगर ऊपर मान लिया 3 है नीचे में 7 है तो रिजल्टेंट कितना 7 माइनस ऊपर में 3 है मान लिया तो 7 माइनस 3 होगा, बात समझ में आ रही है। नीचे मान लिया कि I1 है ऊपर I2 है और इसमें रिजल्टेंट इधर I1 बड़ा होगा तो I1 माइनस I2 नीचे होगा, क्या होगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर बताइए करंट कितना होगा I1 माइनस I2, रजिस्टर कितना है 2, तो बता दो कितना होगा प्लस, कितना होगा बताइए, I1 माइनस I2 इंटू कितना 2। अब देखिए इसका भी वोल्टेज हम लिख लिए सर, कितना लिखे इसका वोल्टेज बताओ, माइनस 10 लिख लिए, इंटर कर रहा था माइनस साइन से, इसमें किससे प्लस से। अब इसमें ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमको पता चल गया कि ऊपर से नीचे है, और पैसिव एलिमेंट में करंट हमेशा प्लस से माइनस पास करता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखें, प्लस लिखें, क्लियर है। तो प्लस करंट इंटू क्या हो गया बताइए, रजिस्टर। नेक्स्ट प्लस में हम बात करें, यहाँ इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमारा मेस एनालिसिस यही तो बोलता ही है कि जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट में वोल्टेज का सम क्या होना चाहिए, 0। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गया सर, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो कितना होता है, माइनस 10 प्लस I1 आर ए कितना हो जाएगा प्लस, कितना 2I1 माइनस कितना 2I2 बराबर कितना 0। यहाँ से बता दो कितना होगा, 2I1 नहीं, 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा आप ही बताओ, 3I1 माइनस कितना 2I2 बराबर कितना 10। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत है सर समीकरण एक मानने में, हम तो आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ और, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से चले, कहीं से भी चले वहाँ तक पहुँच जाना, यहाँ से चले यहाँ तक पहुँच गए, कोई आदमी यहाँ से चलेगा यहाँ से पहुँच जाएगा, यहाँ से चलेगा फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि कहीं से स्टार्ट कीजिए वहाँ पर जाके ख़त्म होना चाहिए। यानी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यहीं से चले, हमको मन करता है यहाँ से चलने का तो फिर लास्ट में माइनस 10 लिखते हैं जो पहले लिखे, यही होता ना। यानी कि हर हाल में सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिखना है और वोल्टेज का समेशन को क्या करना है, 0 के बराबर करना है। यहाँ तक बताओ बात क्लियर हुआ कि नहीं, यस यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं, सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो क्या है, अगर हम बात करें KVL अप्लाई करते हैं किसमें, मेष 2 में, अप्लाई KVL इन कहाँ पर सर, मेष नंबर 2 में, चलो मेष 2 में अप्लाई करो। ऐसे करंट जा रहा है सर, मान ली हम लोग ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहे थे प्लस होगा, ये वाली क्या होगा माइनस होगा, चलो यही से हम चलना चालू करते हैं, उस समय वोल्टेज से चले थे अब यहाँ से चलते हैं। इसमें करंट कितना है बताइए, I2, इसके क्रॉस वोल्टेज इंटर कर रहे हैं किससे, प्लस से, प्लस से इंटर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना बताइए, करंट इंटू रजिस्टर I2 इंटू कितना 3। इसमें वोल्टेज है सर किससे इंटर कर रहे हैं, प्लस साइन से, तो कितना होगा प्लस पाँच, नेक्स्ट प्लस पाँच हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब आता है बात यहाँ पर, अब बताओ अब हम एनालिसिस किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं,
जब हम एनालिसिस इस मेस में कर रहे हैं, जब हम एनालिसिस इस मेस में कर रहे हैं उस दौरान किसका करंट बड़ा मानेंगे, I1 बड़ा मानेंगे कि I2 बड़ा मानेंगे, I2 बड़ा मानेंगे। क्यों? अभी हम एनालिसिस किस में कर रहे हैं, मेस 2 में कर रहे हैं। जिस मेस में हम लोग एनालिसिस करते हैं उस मेस का करंट पूरे सर्किट के करंट से ज़्यादा मानते हैं। क्लियर है? पूरा सर्किट के करंट से ज़्यादा मानते हैं। अब देखो, हमारा ध्यान दो, अब इसमें हमारा लिखना है, तब इसमें करंट कितना होगा, ऊपर I2 है नीचे I1 है, तो कौन बड़ा है, I2। तो रिजल्टेंट किधर धकेलेगा बताओ, ऊपर, कितना कितना होगा ऊपर की ओर, I2 माइनस I1 होगा सर, वो भी क्या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ निगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर हम इसमें लिखेंगे तो लिख दिए पहले 3I2 प्लस में कितना लिख दिए 5 प्लस, यहाँ कितना लिखेंगे सर, करंट कितना है इसके लिए बताइए, I2 माइनस I1, और रजिस्टर कितना है सर बताइए, 2 ऐसा है इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बोलो फिर से, इंटर के प्लस से तो प्लस 3 I3 जो I2 प्लस 5, और इसमें करंट ऊपर जाएगा, क्यों, हम ये एनालिसिस इसमें कर रहे हैं, तो किसका करंट बड़ा होगा बताओ, I2 का बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऊपर, कितना जाएगा बताइए, I2 माइनस I1। यहाँ लिखे क्या, I2 माइनस I1 करंट इंटू रजिस्टर कितना 2 बराबर कितना 0। तमाशा करते हैं कि एक इक्वेशन यहाँ से भी मिलेगा, चलो मिलाओ एक इक्वेशन कि कितना होगा, 3 I2 प्लस 5 प्लस 2 I2 माइनस कितना 2 I1 बराबर कितना 0। यहाँ से बता दो कितना होगा, माइनस 2 I1 और प्लस में कितना होगा बताइए, 5 I2 प्लस 5 बराबर कितना 0, और बताओ माइनस 2 I1 प्लस कितना 5 I2 बराबर माइनस 5। इक्वेशन हो गया 2। अब बताइए सर, आपके पास कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, अननोन कितना है, 2 अननोन है। अब क्या कीजिएगा बताइए, इसको तो सॉल्व करना आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, देख लो यहाँ हो गया कितना बताइए, यहाँ हो गया 3 I2 प्लस 2 I2 माइनस 2 I1, माइनस 2 I1 लिख दिया यहाँ, और 3 2 मिला के 5 प्लस 5 बराबर 0, माइनस 2 I1 प्लस 5 I2 बराबर माइनस 5। क्या करेंगे कि सोल्व हो जाए बताओ, ऐसा करते हैं इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो I1 कट जाएगा। ऐसा करते हैं सर, फ्रॉम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर वन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन को हम लोग क्या करते हैं बताओ, 2 से गुना कर देते हैं प्लस इक्वेशन नंबर 2 को 3 से गुना कर देते हैं, जोड़ते हैं, चलो 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 I1 माइनस कितना होगा बताइए, 2 दोनी कितना 4 I2 बराबर कितना होगा बताइए 20। यहाँ पर कितना होगा बताइए, माइनस 6 I1 और प्लस यहाँ पर कितना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 15 I2 बराबर 3 से गुना करो तो कितना होगा, माइनस 15 होगा सर कि नहीं होगा, होगा। अब इसको क्या करना, जोड़ना है, देखो कटेगा, ये दोनों तो कट जाएगा, 15 में से 4 गया कितना 11 I2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 20 में से 15 गया कितना 5। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यहाँ तक बिल्कुल आ गया। अब I2 जो है हमारा 11 I2 बराबर कितना आ गया 5, तो यहाँ से आप I2 तो निकाल ही सकते हैं सर, I2 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 5 बटा कितना हो जाएगा 11, इतना एम्पियर क्या आ गया, I2 आ गया, ये एम्पियर में आया, करंट का यूनिट क्या होता है सर, एम्पियर। हम I2 निकालने के लिए आपको नहीं बोले हैं, हम क्या बोले हैं बताइए, IX निकालने के लिए, जबकि अभी आपको क्या निकला है, केवल और केवल I2 निकला है। यहाँ तक बात सिंपल समझ गए हैं। नेक्स्ट देखो, जब आपको I2 निकल ही गया तो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में यदि I2 का मान पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको I1 निकल जाएगा। देखो तो हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर किस में, वन में, I2 इन इक्वेशन नंबर वन में पुट करो, क्या है सर बताओ, 3 I1 माइनस कितना 2 इंटू I2 के जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, I2 के जगह पर लिखेंगे 5 बटा में 11 बराबर कितना है सर 10। यहाँ से बता दीजिए 3 I1 बराबर 10 और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 10 बटा 11 होगा सर कि नहीं होगा, 3 I1 बराबर 5 दूनी 10 बटा 11, फिर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से बता दो
थ्री आई वन बराबर कितना, 11 दाँ का 110, 120 बटा 11 होगा सर। अब देखो कटेगा भी, ये तीन से कट जाएगा, 40 तिया तीन चौक 12, 40 तिया 20 से, तो यहाँ से बताओ I1 का मान हो जाएगा 40 बटा 11, I1 इज 40 बटा 11 एम्पियर, ये I1 आया। आपसे न तो I1 पूछा था और न तो I2 पूछा था, आपसे क्या पूछा है सर, IX पूछा है, आपसे क्या पूछा है, IX पूछा है। तो देखो IX का मान निकालते हैं हम, ये देखो 2 एम्पियर का ऐसा है, 2 ओम का रजिस्टर है सर, 2 ओम का रजिस्टर है ऐसा, ये 2 ओम रजिस्टर में, 2 ओम रजिस्टर में देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आई एक्स का मान क्या होगा, जबकि आपको ये पता है, जबकि आपको ये पता है, जबकि आपको ये पता है, देखो क्या पता है, ये जो आई वन जो है आपको नीचे की ओर आ रहा है, आई टू जो है आपको क्या जा रहा है बताइए, ऊपर की ओर जा रहा है, आपसे क्या पूछा है, आई एक्स पूछा है, आई एक्स इक्वल टू अगर पूछे तो नीचे की ओर ओवरऑल रिजल्टेंट है, नीचे की ओर ओवरऑल रिजल्टेंट है, इसका मतलब कौन बड़ा है, आई वन बड़ा कि आई टू बड़ा, ओवरऑल नीचे की ओर है तो बड़ा कौन होगा, आई वन, तो आई वन माइनस आई टू, यही अगर पूछता क्वेश्चन में, नीचे से ऊपर की ओर पूछता तब आई एक्स का मान कितना होता, आई टू माइनस आई वन, ये कब होता, जब एक क्वेश्चन में आपको नीचे से ऊपर की ओर पूछता, ऐसे पूछता आई एक्स रहता, ये वाला रहता, तब आई एक्स इक्वल टू इतना होता, लेकिन जब ऊपर से नीचे है इसका ये मतलब हुआ कौन बड़ा है बताइए, ऊपर से नीचे है मतलब कौन बड़ा है बताइए, आई वन बड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, आई वन माइनस आई टू। यहाँ तक बात हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए आई एक्स का मान कैसे निकालेंगे, आई वन का तो मान आपको पता है, कितना पता है सर, निकाल चुके हैं 40 बटा 11, आई टू का मान पता है आपको कितना, 5 बटा 11, अब बता दो घटाओ, आई एक्स इक्वल टू 40 में से 5 गया कितना, 35 बटा 11, इतना क्या आएगा बताइए, एम्पियर, यही आपको क्या आएगा आंसर, यही आपको क्या पूछा था, आई एक्स का मान। यहाँ तक बात समझ में आया, तो इस तरीके से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, से सी जे ई है, सेमेस्टर के एग्जाम से, तो इस तरीके से फॉलो करना है, लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो इसको हम रेडीमेड बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, एक ही लेक्चर में सब नहीं करेंगे, दो तीन लेक्चर होते होते में करना चालू कर देंगे, जो कि इसको रेडीमेड इतना करने की जरूरत है, इसको तो आधा मिनट में आंसर बता देंगे, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, देखते के साथ आंसर बता देंगे भाई कि इसका 35/11 आएगा, ठीक है, कैसे देखिएगा जादू तोड़ना आप लोग, बस देखते रहिए, बने रहिए और कोई भी लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत गौरपूर्वक सुनिएगा, अगर आप गौरपूर्वक सुनते हैं तो कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये हमारा रहा क्या, मेस एनालिसिस के द्वारा हम इसको सॉल्व किए, आंसर कितना आया बताइए, आई एक्स का मान 35/11। हम सेम क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व करके दिखाएंगे, अगर हमको उससे भी आंसर 35/11 आ जाएगा तो हम समझेंगे कि मेस एनालिसिस भी सही है, नोडल एनालिसिस भी सही है, तो हमको जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे, वैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसी में देखते हैं नोडल एनालिसिस से कैसे क्वेश्चन को इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नोडल एनालिसिस को इसका जस्ट पार्ट टू में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं नोडल एनालिसिस, जस्ट इसको बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मेमोरी ज़्यादा लेगा, अपलोडिंग में प्रॉब्लम है, आप लोग को डाउनलोड में भी दिक्कत होगा।